नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खट्टी दाल की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है। ये जो रेसिपी बता रही हूँ आपको, ये 6 सदस्यों के लिए है। आपने 1 कटोरी अरहर का दाल लेना है। आपने इसको कुकर में डालना है। कुकर में डालने के बाद आपने इसमें 2.5 गिलास पानी और 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी डाल के आपने इसको बॉयल करना है। दाल को मैं बॉयल कर चुकी हूँ। तड़का के लिए मैंने 1 प्याज ली हूँ, छोटा मीडियम साइज का प्याज है, इसको मैंने काट लिया है। 2 टमाटर है, मीडियम साइज का है, आपने इसको कद्दूकस करना है। थोड़ी सी आपने धनिया लेना है, 1/2 चम्मच हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 चम्मच आमचूर है, 1 चम्मच जीरा है और 2 लाल मिर्च है। और आपने ये हींग लेना है, 2 हींग आपने 2 पिंच लेना है। और तड़का के लिए हमने 2 चम्मच रिफाइंड ली। अब हम दाल तड़का कर लगाते हैं। इसके लिए आपने 2 चम्मच रिफाइंड डालना है। बाद आपने लाल साबुत मिर्च डालनी है। एक चम्मच आपने जीरा डालना है। जीरा को हल्का ब्राउन होने दीजिए। जब जीरा हल्का ब्राउन हो जाए तो आपने प्याज डाल देना है। आपने थोड़ी सी हींग डालनी है, 2 पिंच हींग डालनी है। हल्का हल्का ब्राउन भूनना है। इसके बाद आप चाहे तो लहसुन और प्याज का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे इसमें और आपने इसको 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि जब हम दाल बॉईल करते हैं तो धनिया पाउडर डालना है। इसके बाद आपने 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालनी है। आमचूर डालना है आपने 1/2 चम्मच। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाला आपने तब तक भूनना है जब तक आपका ये घी या तेल ना छोड़े, धीमे आंच में भूने, मसाला जलना नहीं चाहिए। आमचूर डालने के बाद आपने इसको 3-4 सेकेंड भूनना है। अब इसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। दाल डालने के बाद हमने इसको 1 उबाल आने तक छोड़ना है। आपने इसको 1 मिनट तक उबलने देना है, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। दोस्तों, ये दाल हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।